आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पहाड़ी बहू व्लॉग्स में। सो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक तरीके का साग। साग बेसिकली हम सर्दियों में खाते हैं, जो बनता है सरसों से, बेथू से, पालक से, बट हर सीजन में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो हम इस बरसात के सीजन में बनाएंगे एक साग जो खाने में बिल्कुल सरसों के साग के जैसा ही होता है और जो बनता है अरबी के पत्तों से। तो ये बड़ी यूनिक रेसिपी है जो उत्तराखंड में कहीं कहीं बनती है और यूपी के जो है बिजनौर वाले डिस्ट्रिक्ट में ये काफ़ी ज़्यादा लोग बनाते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। तो आज हम बनाएंगे अरबी के पत्तों का साग, तो चलिए देखते हैं वो कैसा बनता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो वीडियो एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस रेसिपी को घर पे जरूर। तो ये देखिए हमारे घर पे लगी है ये तोरी की बेल, जो ये तोरी है ये है फुली ऑर्गेनिक। यहाँ देखो, ये देखो, ये छोटे छोटे से देखो फूल आए हैं, छोटी छोटी तोरी। तो बेसिकली इस साल जो है हमने बरसात में मार्केट से तोरी खरीद के नहीं खाई, हमने अपने घर की। ये हर रोज़ जो है दो दो तीन तीन तोरी इस तरह से हो जाती है और यहाँ कितने सारे अभी इसमें फूल आए हुए हैं। तो ये हमारे घर की ऑर्गेनिक तोरी है जो ये पूरे आम के पेड़ पर ऊपर तक फैली हुई है। तो अब हम जा रहे हैं पीछे अरबी के पत्ते तोड़ने, जो हमारे घर के पीछे ही है जो लगाए हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारे अरबी के पत्ते हैं, जैसे पिछली बार भी जब मैंने पत्यूर बनाए थे तो आपको दिखाए थे। तो यहाँ से हम तोड़ेंगे अरबी के पत्ते, यहाँ हम तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं यहाँ पे देखो अरबी के पत्ते। और इसके लिए आप काले वाले या हरे वाले सभी अरबी के पत्ते ले सकते हैं। ये देखिए मम्मी काट रही है यहाँ पर। पत्यूर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ काले वाले पत्ते चाहिए होते हैं, बट साग आप दोनों तरह के पत्तों का बना सकते हैं। यहाँ हम काट रहे हैं पत्ते और यहाँ देखिए चारों तरफ हमारे जो धान हैं कितने हरे भरे और कितने बड़े हो गए हैं। ये देखिए, ये वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। और अरबी के पत्तों से बने पत्यूर का वीडियो भी मेरे चैनल पे है, मैं आई बटन में लिंक दूंगी, आप उसको भी जाकर ज़रूर देखें। तो यहाँ देखिए हमने पत्ते जो हैं सारे तोड़ लिए हैं, यहाँ से काट के रख लिए हैं। तो ये देखिए ये लगी हैं हमारे यहाँ ये मिर्चें, आप देख सकते हैं ये कितनी लाल हो गई है। और ये लौंगिया मिर्चें हैं, ये छोटी छोटी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत स्पाइसी होती हैं। तो यहाँ से जो है हम इनको तोड़ लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। तो यहाँ से हम मिर्चें जो हैं तोड़ रहे हैं साग के लिए और यहीं पर लगे हैं देखिए चकोतरे, जो सर्दियों में खाने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पर भी हैं मिर्च, कद्दू के फूल, ये देखिए। और ये रही मिर्चें, ये पहले हरी होती हैं फिर इस तरह से काली होती हैं और बाद में पकने के बाद इस तरह से बिल्कुल लाल हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम जो है पत्ते धो धो के इनको अच्छे से धो धो के अलग रख रहे हैं, साफ करके यहाँ पत्ते हम जो है धो रहे हैं। अब जो है हम इन पत्तों को जो है इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा ही कट कर लेंगे ताकि अच्छे से उबल जाए, साबुत पत्ते जो है अच्छे से नहीं बॉयल होते। तो हम यहाँ पर इनको इस तरीके से मोटा मोटा सा जो है कट कर लेंगे सारे पत्तों को और इनको एक पतीली में डालकर थोड़ा पानी डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर इनको उबाल लेंगे। तो यहाँ हम इसी तरीके से सारे पत्तों को कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने पतीली में से रख लिया है, अब हम इसको रखेंगे गैस पर और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे अच्छे से बॉईल हो जाए। तो आधे जग के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसको जो है ढक देंगे। तो 5-10 मिनट में जो है अब गैस थोड़ा सा लो कर देंगे और ये अच्छे से जो है उबल जाएगा। तो जब अच्छे से उबल जाएगा उसके बाद हम देखिए कितने सारे पत्ते थे और उबल कर ये कितने से हो गए हैं और ये अब अच्छे से उबल चुके हैं। ये देखिए
अब हम इनको निकाल के किसी बर्तन पे प्लेट में अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे जो है सिलबट्टे में पीसेंगे। तो अभी हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और इस तरह से इसको फैला देंगे और अच्छे से इसको ठंडा होने देंगे। तो हम सारे पत्तों को इस तरह से जो है निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। ये हमने पत्ते सारे निकाल लिए हैं। यहाँ पर मैंने इसको देखिए अच्छे से थोड़ा करची से जो है इस तरीके से ऐसे कर करके थोड़ा और छोटा कर लिया है और अच्छे से फैला दिया है और पंखे के नीचे इसे हवा में ठंडा होने के लिए रख दिया है ताकि ये अच्छे से जो है ठंडा हो जाए और बिना हाथ जलाए हम इसको अच्छे से जो है पीस सके सिलबट्टे पे। इसको सिलबट्टे पे पीसना है। मिक्सी में पीसेंगे तो ये बिल्कुल एकदम सा पेस्ट बन जाएगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं होता खाने में। सो हम इसको पीसेंगे सिलबट्टे पे। तो अब यहाँ पर हम देखिए सिलबट्टे पे इसको जो है मम्मी धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर इसको ऐसे पीस रही है जैसे मसाले पीसते हैं। और ज़्यादा बारीक भी पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का हल्का सा इसको जो है पीस लेना है ताकि इसका टेक्सचर अच्छा हो जाए बिल्कुल साग के जैसे। तो ये देखिए पीस रहे हैं इसको अच्छे से और ये बहुत टेस्टी बनता है खाने में और बहुत इजी रेसिपी है जो फटाफट फटाफट बन जाएगी। आप आजकल बरसात के सीज़न में इतने सारे अरबी के पत्ते आते हैं, इतने पत्ते होते हैं जो शहरों में रहते हैं उनको भी इजीली मिल जाते हैं, तो ऐसे ही आप इसको ऐसे तरीके से बनाकर खा सकते हैं। बिल्कुल सरसों के साग के जैसे इसका टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा यमी। इसको आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ, या फिर आप चावल की रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो अब हम इसी तरह से बाकी बचा हुआ ये है जो पत्ते, इसको भी हम पीस के अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से पीस गया है। ये देखिए ये साग वैसे जो है हंडिया में बनाया जाता है जैसे सरसों का साग होता है, पर आजकल बरसात का सीज़न है, चूल्हे में आग जलाना बाहर थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी भी बारिश आ जाती है, इसलिए हम जो है इस तरीके से इसको बना रहे हैं। वरना इसको हांडी में रख के और जो घोटनी होती है उसे घोट कर इसको अच्छे से बनाते हैं तो ये बहुत टेस्टी लगता है। बट अगर आप चूल्हे में नहीं बना रहे हैं तो इस तरीके से आप इसको गैस में बना सकते हैं और सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला हमने पीस कर रख दिया है और यहाँ पर ये बचा हुआ भी पीस गया है। मसाले में हम यहाँ पर पीस रहे हैं हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और नमक। तो इसको हम पीस लेते हैं, पीस के इसका स्वाद और अच्छा आएगा और बाकी जो भी हमें ज़्यादा होगा अगर कम हो जाएगा तो हम एक्स्ट्रा ऊपर से डाल देंगे। पर फिलहाल हमने 3 हरी मिर्चें ली हैं जो इसके लिए काफ़ी है, थोड़ा नमक और थोड़ा सा लहसुन लिया है। इसको हम सिलबट्टे में पीस लेंगे अच्छे से और इसमें मिक्स कर देंगे। तड़के के लिए हमने यहाँ पर लिया है देखिए साबुत लहसुन, इसको काटना नहीं है, साबुत यूज़ करना है, सूखी लाल मिर्च और यहाँ पर हमने थोड़े से बेसन में पानी डालकर जो है एक पतला साइज का ऐसा पेस्ट बना लिया है जो आलन के लिए यूज़ होगा। आप चाहें तो मक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है बेसन। सो ये 3 चीज़ें जो है हमें लगेंगी और साथ में लगेगा गर्म पानी। तो ये चीज़ें हमें जो है बिल्कुल रेडी रखनी है। हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, तो ये है लोहे की कढ़ाई और हम तड़का लगाएंगे लोहे की कढ़ाई में और इसमें हमने डाला है सरसों का तेल। सरसों के तेल में स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और यहाँ पर हमने पानी गर्म करके रख लिया है क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें है गर्म पानी की। तो यहाँ हमने इसमें डाल दिया है लहसुन, अब थोड़ा सा लहसुन जो है अच्छे से भुन जाएगा। अच्छे से लहसुन जब तक ब्राउन हो जाता है हम इसको भून लेंगे इसी तरीके से। इसमें डालेंगे लाल साबुत मिर्च, मिर्च भी अच्छे से जो है भून जाएगी। इसको फिर हम इसमें फिर ऐड करेंगे हम साग।
यहाँ पे हमने ये साग डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे, देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें, अब हम डालेंगे हमारे बेसन का घोल जो हमने बनाया हुआ था। आप मक्की का आटा भी डाल सकते हैं बट यहाँ हमने बेसन का घोल डाला है। इसे अच्छा एक सार हो जाएगा, आलन लग जाएगा इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर, हरी मिर्च और नमक हमने पहले से डाला हुआ है तो इसमें हम बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च और बस। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से, अब इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। और यह सारी रेसिपी बना रही है मेरी मम्मी। और यहाँ हमने डाल दिया है थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी, जितनी कंसिस्टेंसी हमें रखना है, जितना पतला हमें हमारा साग चाहिए। तो अब यहाँ देखिए हम, और इसको लोहे की ही कढ़ाई में बनाएंगे, लोहे की कढ़ाई में तड़का लगा के जब पकेगा तो बहुत टेस्टी होगा। स्टील की कढ़ाई में इसमें इतना ज़्यादा अच्छा स्वाद नहीं आएगा, तो आप स्टील या सिल्वर की कढ़ाई में नहीं, इस तरह से लोहे की कढ़ाई में बनाएं। और इसमें हमने पानी डाल के इसको जो है अब अच्छे से पकने के लिए हम रहने देंगे। ये देखिए तो अब इसको हम थोड़ा सा जो है ढक देंगे और इसको अच्छे से थोड़ी देर खिटने के लिए रख देंगे। तो देखिए हमारा साग बनके रेडी हो चुका है और यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर है। इसको आप खाएंगे रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ, या चावल के साथ, या गेहूँ के आटे की रोटी, जो आपको पसंद हो उसके साथ। और ये साग जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और आप देखिए कितना टेस्टी ये लग रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी पसंद आए तो अपने घर में ज़रूर बनाएं और मुझे टैग ज़रूर करें जब ये आप बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।